तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो ये दो HJG लाइट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। एक है मेरा पे मेगा ड्राइव और एक है मेरे पास जो HJG का जो आउट लाइट है, पिछले वीडियो में जो बनाया था, तो उसके दोनों के हम कंपेरिजन करने वाले हैं। क्योंकि दोनों लाइट का वाट 40 वाट करके है, तो दोनों लाइट हो गया अगर तो 80 वाट हो गया, तो दोनों लाइट सेम वाट का है, इसलिए हम दोनों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो कौन सा लाइट ज़्यादा अच्छा है और कौन सा लाइट का ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन सा लाइट आपको लेना चाहिए, तो दोनों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा लाइट चाहिए। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास है दो HJG का लाइट, देख सकते हो आप। एक है आउल वाला और ये है मेगा ड्राइव वाला। तो मेगा ड्राइव वाला हम पिछले भी वीडियो में हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो हम दोनों में देखने वाले हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है और कौन सा आपको लेना है, ठीक है। तो दोनों को ही हम ओपन करके देखेंगे इसके अंदर कैसा है कैसा नहीं, और दोनों लाइट को हम टेस्ट करके देखने वाले हैं, ठीक है। जो मेगा ड्राइव है उसका वेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये आउल फॉग लाइट। हालांकि आउल फॉग लाइट भी काफ़ी अच्छा है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। मेगा ड्राइव जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का है, देख सकते हो, थोड़ा सा हेवी लग रहा है देखने में। और आउल फॉग लाइट जो है वो भी हेवी है लेकिन उतना ज़्यादा वेट नहीं है उसका, ठीक है। और उसका लेंस छोटा छोटा है, दो लेंस है, और मेगा ड्राइव का एक ही लेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अभी हम दोनों को हम ओपन करके देखेंगे इसके अंदर किस तरह से है और किस तरह से हमें वाटर जो यहाँ पर जो वाटर रेजिस्टेंट मिलता है वो सच में कितना होगा या फिर नहीं, वो देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। सो इसे गाइस ओपन करने के लिए हमारे पास एलेंकी टूल है, तो इसके मदद से हम इसको ओपन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। और ये जो आउल फॉग लाइट है और मेगा फॉग लाइट है, दोनों को मैं ऑलरेडी एक बार ओपन किया था और उसका वाटर टेस्ट करके भी दिखाया था आप लोगों को। तो अगर आप वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो आउल फॉग लाइट जो है कुछ इस तरह सा है, देख सकते हो, इसका लेंस है इस तरह सा, दोनों लेंस है। और अभी हम मेगा ड्राइव का देख लेते हैं। इसका आउल फॉग लाइट का पीछे की तरफ नहीं ओपन होता है, सिर्फ सामने की तरफ ओपन होता है, और यहाँ पर दोनों तरफ ओपन होता है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा सील कर दिया हुआ है, पीछे की तरफ पूरा सील कर दिया है। यहाँ पर वाटर जाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, यहाँ पर फुल्ली सील किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं और सामने की तरफ देखते हैं किस तरह से है। और देख सकते हो पीछे की तरफ यहाँ पर कोई ओपन वगैरह नहीं होगा, तो पीछे की तरफ यह आउल फॉग लाइट जो है वो सील किया हुआ है, यहाँ पर फुल्ली सील हुआ है, लेकिन यहाँ पर खोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी सील है, तो इसको हम लगा लेंगे सबसे पहले। और अभी हम सामने की तरफ इसको ओपन करेंगे। और सामने की तरफ ओपन करती गाइस कुछ इस तरह सा देख सकते हो, मर्सिडीज़ वाला लुक। और यहाँ पर ये रहा लेंस, जो वो लेंस जो है काफ़ी छोटा है और ये लेंस जो है काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो आप लेंस। वहाँ पर हालांकि दो लेंस है या फिर दो लाइट है और यहाँ पर सिर्फ एक ही LED बोर्ड है, ठीक है। तो गाइस अभी इसको हम खोलेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा टाइट है, देख सकते हो गाइस, थोड़ा सा हैवी है। तो ये ओपन नहीं हो रहा है गाइस, तो थोड़ा सा, हाँ देख सकते हो गाइस ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर रबर दिया हुआ है, रबराइज दिया हुआ है चारों तरफ, ग्लास के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अंदर की तरफ पानी ना जाए, इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। और इसका जो ग्लास का क्वालिटी है ना गाइस, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी है ग्लास का क्वालिटी। और इसको आप ही फिलहाल ओपन करेंगे, ये भी थोड़ा सा टाइट है, तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा हमें। तो ये ओपन हो गया है गाइस। तो यहाँ पर भी रबर दिया हुआ है, देख सकते हो गाइस, ताकि अंदर की तरफ पानी ना जाए, इसलिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप जो लेंस है गाइस, लेंस का क्वालिटी मुझे ये जो आउल फॉग लाइट है उससे ज़्यादा मुझे जो मेगा ड्राइव है उससे ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। दोनों में आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए मिल जाता है। और ये रहा दोनों लेंस, तो दोनों ही काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। और अभी दोनों को हम साथ में देखेंगे,
यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जो मेगा ड्राइव है इसमें पूरी तरह से सील किया हुआ है, और ये जो आउल फॉग लाइट है ना गाइस, उसमें सील नहीं किया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो आप मेगा ड्राइव में यहाँ पर पूरी सील किया हुआ है, तो अंदर की तरफ पानी अगर चला भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी सील किया हुआ है। देख सकते हो आप, सील अंदर की तरफ से पूरी तरह से ये सील किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आउल फॉग लाइट इस तरफ देख सकते हो आप, यहाँ पर सील नहीं किया हुआ है। देख सकते हो पीछे की तरफ हालांकि सील किया हुआ है, लेकिन सामने की तरफ सील नहीं किया हुआ है। तो हालांकि यहाँ पर रबर आपको मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए, अंदर तक पानी नहीं जाएगा, फिर भी अगर यह सामने की तरफ भी सील किया होता तो मुझे काफ़ी अच्छा, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होता। तो अभी दोनों लाइट का हम ब्राइटनेस जो है वो टेस्ट करने वाले हैं, किसका बीम किस तरह सा है और किसका ब्राइटनेस ज़्यादा है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम ऑन कर लेंगे। तो ये रहा दोनों बीम, ये इसका है मेगा ड्राइव, ये वाला मेगा ड्राइव और ये वाला आउल फॉग लाइट, देख सकते हो दोनों का रोशनी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बीम थोड़ा सा अलग अलग है गाइस। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये दोनों का वाइट बीम है, ये जो मेगा ड्राइव वाला है लाइट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, ये वाइट वाला लाइट है काफ़ी अच्छा, और काफ़ी ज़्यादा फैलता भी है लाइट, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी हम आउल वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा लंबी लग रहा है मुझे गाइस, लेकिन उतना ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, और मेगा ड्राइव जो है वो मतलब कि ठीक ठाक है, और ये आउल वाला जो है लंबी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और मेगा ड्राइव जो है लंबी भी है, उतना ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, और ये थोड़ा सा लंबी टाइप का है, तो दोनों में ही आपका डिपेंड है आपको कौन सा अच्छा लगेगा। और ये मेगा ड्राइव का लाइट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रोशनी है, हालांकि दोनों लाइट में ही काफ़ी अच्छा रोशनी है, ये आउल वाला फॉग लाइट भी काफ़ी अच्छा रोशनी है, लेकिन ये ज़्यादा फैलता नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का योलो बीम है, देख सकते हो दोनों में ही काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है, दोनों का बीम ही अलग अलग है, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लेना चाहते हो। और गाइस, यहाँ पर दोनों लाइट में ही आप योलो एंड वाइट को दोनों को एक साथ जला सकते हो। ठीक है, मतलब कि योलो लाइट एंड वाइट लाइट को दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, दोनों लाइट को आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइस, आपको कौन सा लाइट ज़्यादा अच्छा लगा है आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, जो HJG आउल वाला लाइट है वो ज़्यादा अच्छा लगा है, या फिर मेगा ड्राइव जो लाइट है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मेगा ड्राइव लाइट जो है काफ़ी हैवी है, और जो HJG जो आउल लाइट है वो भी हैवी है लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है, और HJG मेगा ड्राइव थोड़ा सा बड़ा लाइट है। तो आपको कौन सा लाइट चाहिए आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि दोनों लाइट ही काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। हालांकि तो मेगा ड्राइव का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, इसलिए आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा लाइट आपको चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट और टॉपिक के साथ।